बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हैबिटेट क्लब में बने पटवारियों के कार्यालय में छापा मारा सीएम फ्लाइंग टीम ने। मौके पर पटवारी नहीं मिले और कानून गो प्रॉपर्टी डीलर के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हैबिटेट क्लब में बने पटवारियों के कार्यालय पर छापा मारा सीएम फ्लाइंग टीम ने, लेकिन मौके पर कोई पटवारी और कानून गो नहीं मिले। अब प्रॉपर्टी डीलर के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हैबिटेट क्लब में बने पटवारियों के कार्यालय पर छापा मारा सीएम फ्लाइंग टीम ने, लेकिन मौके पर पटवारी और कानून गो नहीं मिले। नितिन अंतिल फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ इस खबर पर। नितिन, सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी के दौरान हैबिटेट क्लब में कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन कोई पटवारी और कानून गो यहां से नहीं मिला है। किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तफसील से बताइए, क्या कुछ हाथ लगा सीएम फ्लाइंग टीम के? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरह कुछ सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की थी और हैबिटेट क्लब सोनीपत में है, जहां पर सूचना ये थी कि पटवारी यहां से गायब रहते हैं और सूचना के आधार पर ही छापेमारी हुई। तब वहां पर जब सीएम फ्लाइंग रेड के अधिकारी पहुंचे तो वहां से 7 पटवारी और एक कानून गो नदारद मिले। और इतना ही नहीं, वहां पर दो अधिकारियों को एक प्राइवेट आदमी भी मिला है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की जा रही है आखिरकार वो यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहा है, क्योंकि पटवारी यहाँ पर नहीं है, कानून गो यहाँ पर नहीं था, सभी नदारद है। तो पटवार जो प्राइवेट आदमी का काम यहाँ पर क्या है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और वही जो पटवारी कानून गो यहाँ पर नहीं थे, उनके खिलाफ भी भागीय कार्रवाई की जो अब बात है, जो सीएम फ्लाइंग के अधिकारी कह रहे हैं। जी तो ऐसी कोई बात फिलहाल मिली नहीं सीएम फ्लाइंग टीम को, उस कर्मचारी जिसको सीएम फ्लाइंग टीम ने पकड़ा है, क्या उससे बातचीत में कुछ खुलासा हुआ नितिन? जी अभी बिल्कुल आपको जानकारी, बिल्कुल प्राइवेट आदमी यहाँ पे मिला, बताया जा रहा है कि सोनीपत का ही प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पर वो काम करता था, लेकिन पटवारी के पास वो क्या काम करता था और क्या वो कर रहा था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कहना यही है कि पूछताछ की जाएगी और उसी के बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार यह क्या करता था यहाँ पर और क्यों आया था। वही जो पटवारी नदारद थे और जो कानून को नहीं था, उनके खिलाफ भी जो है उनकी रजिस्टर में हाजिरियां नहीं मिली है, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की बात अब सीएम फ्लाइंग के टीम के अधिकारी करें कि पूछताछ उनसे भी होगी कि अगर वो नहीं है दफ्तर में तो ये प्राइवेट आदमी यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। नितिन, सीएम फ्लाइंग टीम को किसी किस्म की अनियमितताओं की कोई खबर मिली थी, कोई इत्तला मिली थी, या फिर ऐसे ही ये रूटीन का औचक निरीक्षण था सीएम फ्लाइंग टीम का? जी बिल्कुल, ये गुप्त सूचना थी सीएम फ्लाइंग के पास कि पटवारी और कानून गो वो यहाँ पर जो है अनियमितता बरतते हैं, समय पर नहीं पहुंचते, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार शिकायतें मिल रही थी और उस शिकायत के आधार पर छापेमारी की थी। जी मैम, बेहद शुक्रिया नितिन आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।